ये है हमारी अब तक की जर्नी, यानी इस ब्रह्मांड की 13.5 अरब सालों की लंबी जर्नी। 13.82 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग हुआ। माना जाता है कि इससे पहले सिंगुलैरिटी थी, यानी बहुत सारी एनर्जी यहीं पर कैद थी, यानी टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इनफैक्ट अभी भी बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है। 400 एडी में सेंट ऑगस्टाइन ने लिखा कि पास्ट और फ्यूचर का किस्सा बड़ा अजीब है, क्योंकि पास्ट अब बीत चुका है और फ्यूचर अभी तक आया ही नहीं। और जहां तक प्रेजेंट की बात है, अगर वह हमेशा प्रेजेंट रहता है और पास्ट बनने के लिए आगे ही नहीं बढ़ता, इसका मतलब है कि टाइम कुछ और नहीं बल्कि एक अनंत है। इसको इस तरह से समझिए, मान लीजिए आपके पास एक स्टोरी बुक है जो आपके लाइफ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की कहानी बताती है। तो जो पन्ने आप पढ़ लेते हैं वो आपके पास्ट की कहानी है और अब ये बदल नहीं सकती है, और जो बातें आप ठीक अभी पढ़ रहे हैं वो प्रेजेंट हैं, जो कि सिर्फ उसी मोमेंट के लिए हैं और तुरंत ही पास्ट बन जाएंगे। और आगे के पन्ने ब्लैंक हैं, जो कि आपके लाइफ के अनरिटन पन्ने हैं, यानी वो अभी घटित ही नहीं हुए। न्यूटन के टाइम तक टाइम ट्रेवल पॉसिबल ही नहीं माना जाता था, क्योंकि उस समय टाइम को एक तीर की तरह देखा जाता था जो एक बार छूट जाने पर वापस नहीं आ सकता है। यानी धरती का एक सेकंड पूरे ब्रह्मांड के एक सेकंड के बराबर है। लेकिन इस धारणा को आइंस्टाइन ने तोड़ा। उनका मानना था कि टाइम एक नदी की तरह है जो पूरे ब्रह्मांड में बह रही है और अपने रास्ते में आने वाले स्टार्स और गैलेक्सीज के घुमावदार रास्तों पर कभी तेज तो कभी स्लो होती है। यानी पृथ्वी का एक सेकंड पूरे ब्रह्मांड का एक सेकंड नहीं है बल्कि ये बदल सकता है। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की माने तो एक रॉकेट की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उसमें टाइम उतना ही धीरे हो जाएगा। और साइंस फिक्शन के कुछ राइटर्स का मानना है कि अगर हम लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रैवल कर सकें तो हम टाइम में रिवर्स जा सकते हैं, यानी अपने अतीत में जा सकते हैं। दोस्तों, टाइम यानी समय दुनिया के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। टाइम ट्रेवल साइंस का एक ऐसा शब्द है जो हमारे भीतर बहुत सारे सवाल और जिज्ञासाएं पैदा कर देता है, और इसे और भी रोमांचक बना दिया है फिल्मों और किताबों ने, जहां राइटर्स ने अपनी जबरदस्त इमेजिनेशन से लोगों की इस क्यूरियोसिटी को और भी बढ़ा दिया है। और यही वजह है कि टाइम ट्रेवल के बारे में सोचकर कोई भी व्यक्ति अपने अतीत या भविष्य में जाने की रोमांचक बातें सोचने लगता है और मन ही मन इन कहानियों को गढ़कर अपने सपनों में टाइम ट्रेवल भी कर लेता है। सच सच बताइएगा दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि अगर मैं पास्ट में जा पाता तो ये चीजें बदल देता, या फिर पास्ट में जाकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाता, या फिर अपनी किसी बड़ी गलती को पास्ट में जाकर बदल देता। है ना ये सब इंटरेस्टिंग। लेकिन क्या टाइम ट्रेवल सचमुच पॉसिबल है? क्या हम पास्ट या फ्यूचर में ट्रेवल कर सकते हैं? दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का मानना है कि हाँ, हम समय में यात्रा कर सकते हैं। ये किसी ट्रेन या बस में सफर करने जैसा ही है। दुनिया की हर चीज 3 डायमेंशंस में होती है, यहाँ तक कि हम इंसान भी 3 डायमेंशंस में हैं। इन्हीं डायमेंशंस की वजह से हम इस दुनिया को 3D वर्ल्ड कहते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन तीनों डायमेंशन से अलग चौथा डायमेंशन भी होता है, जिसे हम टाइम के नाम से जानते हैं। मिसाल के लिए, एक इंसान की उम्र औसतन 70 से 80 साल तक हो सकती है, एक कुत्ते की 10 से 12 साल और कछुए की लगभग 200 साल। ये इनकी समय लंबाई कही जा सकती है, यानी टाइम ड्यूरेशन, जिसे फोर्थ डायमेंशन भी बोला जाता है। इसको थोड़े और आसान भाषा में समझें तो अगर आप किसी ट्रैवल पर निकले हैं तो जो प्लेन रास्ता है उसे लंबाई बोलेंगे, जो कि पहला आयाम होगा। फिर अगर रास्ता कहीं घूम रहा है तो एक और आयाम जुड़ जाएगा, जिसे हम चौड़ाई बोलेंगे, जो कि दूसरा आयाम होगा। और अगर रास्ते में कोई पहाड़ आपको मिल जाए और आप उस पर चढ़ाई करें तो एक तीसरा आयाम ऊंचाई भी इस सफर में जुड़ जाएगा, और जो चौथा आयाम होगा वही टाइम है। तो अब एक सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये चौथा डायमेंशन टाइम ट्रेवल में हमारी मदद कैसे कर सकता है? क्या ये पॉसिबल है? इसका जवाब है हाँ। इस समय लंबाई में ही हमारे भविष्य की एंट्री का रास्ता है। आपने टाइम ट्रेवल से रिलेटेड बहुत सारी मूवीज देखी होंगी,
और आपको ये भी लगता होगा कि टाइम ट्रेवल बहुत ही आसान है। आपने इन मूवीज में ये भी देखा होगा कि टाइम ट्रेवल करने के लिए इनमें टाइम मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस टाइम मशीन का यूज करके हीरो एक सुरंग जैसी चीज में चला जाता है और कुछ ही देर में वो किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर चुका होता है। यानी वो अपने प्रेजेंट को छोड़कर या तो पास्ट या फिर फ्यूचर में चला जाता है। अब एक और सवाल ये उठता है कि क्या सच में कोई ऐसा दरवाजा होता है जिससे ऐसा करना संभव है? क्या ऐसा दरवाजा बनाया जा सकता है? इसके जवाब में हॉकिंग कहते हैं कि हाँ, ऐसा करना पॉसिबल है। अगर ऐसा हो सकता है तो मैं तो सबसे पहले 1983 में जाऊंगा और इंडिया को वर्ल्ड कप जीतते हुए देखूंगा और अपने मॉम डैड का बचपन भी देखूंगा। आपने भी अपने मन में प्लानिंग करना शुरू कर दिया होगा, लेकिन एक मिनट रुकिए, अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये दरवाजे बनेंगे कैसे। टाइम ट्रेवल को मानने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि हमें ऐसे किसी दरवाजे को बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से ऐसे अरबों खरबों दरवाजे पहले से ही बने हुए हैं। उनकी ये बात जानकर मैं तो चौंक ही गया, क्योंकि अगर ऐसे दरवाजे हैं तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते। चलिए हमें नहीं दिखते, लेकिन अभी तक कोई इंसान इस तरीके से टाइम ट्रेवल भी तो नहीं कर पाया है। हॉकिंग इसका जवाब इस तरह देते हैं कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से दरवाजे हैं, लेकिन इसके लिए विज्ञान की तरफ जाना होगा। हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो हमें ठोस, समतल और सॉलिड रूप में दिखाई देती है, लेकिन जब हम इन्हीं वस्तुओं को मैग्नीफाई करके देखेंगे तो पाएंगे कि ये समतल नहीं बल्कि ऊबड़ खाबड़ है। यानी वो वस्तु बहुत से दरारों से भरा पड़ा है, और जब इससे भी ज्यादा मैग्नीफाई करके देखते हैं तो पाते हैं कि इसमें बड़ी बड़ी खाइयां दिखाई देती हैं, और उससे भी डीप जाने पर हम इसके एटम को देख पाते हैं। हम सब ये तो जानते ही हैं कि पूरी दुनिया इन्हीं परमाणुओं से बनी हुई है, और एटम की खोज करने वाले वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बताया कि एक एटम का लगभग 99.999999% हिस्सा खाली होता है। अब ये बात तो आपको क्लियर हो ही गई होगी कि हमें जो भी वस्तु ठोस दिखाई देती है उसमें असल में बहुत सारा हिस्सा खाली होता है। इनमें मौजूद होती हैं बहुत सारी दरारें और खाइयां। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने जो शर्ट पहन रखी है वो ऊपर से देखने में तो समतल दिखाई देती है, लेकिन मैग्नीफाई करके देखने पर पता चलता है कि ये धागों के खास जुड़ाव की वजह से शर्ट के रूप में बदल गई है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी दरारें मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर जब हम किसी वस्तु के अणु और परमाणु से भी आगे उसे देखने की कोशिश करते हैं तो हमें वहाँ क्वांटम वर्ल्ड मिलता है, जहाँ पर बहुत सी दरारें बनती बिगड़ती रहती हैं। ये कभी भी स्टेबल नहीं होता, और यही है हमारे भविष्य का रास्ता। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे ही छोटे छोटे गड्ढे हमारे आसपास मौजूद हैं, जिन्हें हम वॉर्म होल्स भी कहते हैं, और यही वॉर्म होल्स हमारे लिए पास्ट और फ्यूचर के दरवाजे खोलेंगे। ये वॉर्म होल्स चौथे आयाम में एक रास्ता बनाते हैं, जिसका एक हिस्सा वर्तमान में तो दूसरा हिस्सा अतीत या भविष्य की तरफ खुलता है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि वॉर्म होल्स हमें एक काल से दूसरे काल में कैसे ले जाता है। इसे आप अपने आसपास मौजूद रोड से समझने की कोशिश करिए, जिसके बीच में डिवाइडर होता है। आप इसके एक तरफ चलेंगे तो दूसरी तरफ तुरंत नहीं जा सकते, बल्कि दूसरी तरफ जाने के लिए आपको किसी क्रॉसिंग का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए कि ये क्रॉसिंग आपसे 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आपको पूरे 5 किलोमीटर का सफर तय करना होगा और फिर 5 किलोमीटर वापस भी जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको बगल से ही क्रॉसिंग मिल जाती तो आप शॉर्टकट लेते और आपका समय और रिसोर्स दोनों ही बच जाता। ठीक इसी तरह से वॉर्म होल टाइम में ट्रेवल करने के लिए हमारे लिए रास्ते खोलते हैं और हमारे पास्ट या फ्यूचर में जाने के रास्तों को ओपन करते हैं। अब हमें वॉर्म होल्स के बारे में ये तो पता चल गया कि ये हमें कैसे पास्ट या फ्यूचर में ले जा सकते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इसको लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि इन दरवाजों के अंदर से जाना लगभग असंभव काम करने जैसा है, क्योंकि ये दरवाजे बहुत ही छोटे हैं। इन दरवाजों में से एक चींटी भी नहीं जा सकती, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर के अरबवें खरबवें हिस्से जितना छोटा होता है। अरे अरे, ऐसा लगता है कि आप टेंशन में चले गए।
घबराइए मत, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हम इन वॉर्म होल्स को सफिशियंट एनर्जी प्रोवाइड करके अगर इनका आकार कई अरब गुना बड़ा कर लें और अगर किसी इंसान को इसके अंदर से ले जा सकें तो टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो सकता है। तो अगर फ्यूचर में हम किसी ऐसे मशीन को बना लें जो बड़े वॉर्म होल्स क्रिएट कर सकता है तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि फिर हम अपने ग्रह से दूसरे ग्रह पर चुटकियों में पहुंच जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हम पृथ्वी के एक समय से दूसरे समय में भी एंट्री कर पाएंगे, यानी टाइम ट्रेवल कर पाएंगे। हो सकता है कि हम आदि मानव के जमाने में पहुंच जाएं, लेकिन समस्या है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, और इस बार प्रॉब्लम की वजह है पैराडॉक्सेस। पैराडॉक्स किसी भी चीज के लिए उसका एकदम उल्टा रिजल्ट देता है। अब मान लीजिए कि आप टाइम ट्रेवल करके अपने पास्ट में जाते हैं और वहां अपने पिता से मिलते हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, और किसी अनबन के चलते आप उनकी हत्या कर देते हैं, तो क्या होगा? क्योंकि अभी तो आप पैदा ही नहीं हुए थे। तो जब आप पैदा ही नहीं होंगे तो भविष्य से अतीत में भला कैसे आ पाएंगे? ये एक गजब की पहेली है। लेकिन फिर भी हमारा मानना है कि हम टाइम ट्रेवल कर तो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट्स को नहीं बदल सकते हैं। हम कोई ऐसा वॉर्म होल नहीं बना सकते जो टाइम के रिजल्ट को बदल सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो समय का संतुलन ही बिगड़ जाएगा और पूरे ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। तो सवाल ये है कि ऐसे वॉर्म होल्स का एग्जिस्टेंस क्यों नहीं है? इसके पीछे का कारण फीडबैक है। अब ये फीडबैक क्या बला है और किसी वॉर्म होल के एग्जिस्टेंस से इसका क्या रिलेशन है? एक कहानी खत्म नहीं हो रही कि दूसरी कहानी शुरू हो जा रही है। लेकिन घबराइए मत दोस्तों, ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर है, लेकिन वीडियो के अंत तक आप इन गुत्थियों को सुलझता हुआ देख पाएंगे। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से आप फीडबैक को समझ सकते हैं। आपको एक माइक चाहिए और दो स्पीकर्स। अब जब आप इस माइक में बोलेंगे तो आपको ची की लंबी आवाज सुनाई देगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माइक में जो आपने बोला वो साउंड स्पीकर से माइक में फिर से एंट्री करता है और ये एक लूप की तरह चलता जाता है। इसी को फीडबैक कहेंगे। इससे आपका डिवाइस भी खराब हो सकता है। ठीक यही वॉर्म होल्स के केस में भी होता है। वहां भी फीडबैक पैदा होगा और वॉर्म होल्स को खत्म कर देगा। वॉर्म होल्स में आवाज का नहीं बल्कि एनर्जी का फीडबैक होगा जो कि उसको डिस्ट्रॉय करके रख देगा। यही वजह है कि डेली लाइफ में वॉर्म होल्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम वॉर्म होल्स को एक्सटर्नल एनर्जी देकर इतना बड़ा बना भी लें कि हम उसमें से पास हो सकें, फिर भी इसमें एनर्जी का फ्लो इतना ज्यादा होगा कि ये हमें तबाह करके रख देगा। यानी अब हमें टाइम ट्रेवल करने के लिए किसी ऐसे तरीके की जरूरत है जिसमें ना वॉर्म होल्स की जरूरत हो और ना ही फीडबैक का पंगा। तो आइए अब चलते हैं दुनिया के महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन के पास। उनका मानना है कि किसी ऑब्जेक्ट का मास समय की रफ्तार को धीरे कर देता है। इसको ठीक ढंग से समझने के लिए हमें पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट्स की स्टडी करनी होगी, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीपीएस सिस्टम पॉसिबल हो पाया है। इन सैटेलाइट्स में एक घड़ी लगाई गई होती है जो दूसरे सैटेलाइट्स को कम्युनिकेट करते हैं। इन सैटेलाइट्स में लगी ये घड़ियां हर रोज धरती के समय से एक नैनो सेकेंड के भी तीसरे हिस्से जितना पीछे हो जाती हैं, और इसी वजह से हर एक दिन इन घड़ियों की टाइम को ठीक करना पड़ता है। ये सब पृथ्वी के मास के कारण होता है, जिसकी वजह से टाइम स्लो हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि छोटे से एक नैनो सेकेंड के तीन गुना छोटे जैसे मामूली अंतर से हम पर क्या ही असर पड़ सकता है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, पड़ता है। मैं बताता हूँ कैसे। अगर ये समय ठीक नहीं किया गया तो धरती के दो जगहों के बीच का डिस्टेंस 6 मील तक बढ़ जाएगा, और इसके चलते आप जीपीएस का यूज नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे तो आप पाएंगे कि कभी 6 मील आगे तो कभी 6 मील पीछे चले आए हैं। एक बार सोच कर देखिए, अगर ऐसा हो गया तो दुनिया का क्या हाल होगा? ये कुदरत के किसी करिश्मे से कम नहीं है। एक बात तो क्लियर हो गई है कि अगर हमें टाइम ट्रेवल करना है तो धरती से भी ज्यादा मास वाली कोई चीज चाहिए, और इसी की तलाश करते हुए साइंटिस्टों ने ब्लैक होल की खोज की। ब्लैक होल एक ऐसा पिंड है जो कि सूरज से भी 10 लाख गुना मास का माना जाता है। माना तो ये भी जाता है कि अपने मास की वजह से इसमें आसपास के कई ग्रह समा जाते हैं, यहाँ तक कि लाइट भी इसको क्रॉस नहीं कर पाती है। यही कारण है कि ये पिंड ब्लैक है।
अब मान लीजिए आप फ्यूचर में एक ऐसा स्पेस शटल बना लेते हैं जो ब्लैक होल तक का सफर तय कर लेता है, तो सबसे पहले तो आपको इसके किनारों पर इतनी स्पीड से चलना होगा कि आप ब्लैक होल के अंदर जाने से बचे रहें। अब आपका यान इसके 5,000 करोड़ डायमीटर का चक्कर लगाएगा। ऐसा करने पर आपका टाइम पृथ्वी के मुकाबले आधा हो जाएगा, क्योंकि आपके स्पेस में टाइम की स्पीड कम हो गई। यानी पृथ्वी पर जब तक 10 घंटे बीतेंगे, यान में केवल 5 ही घंटे बीते होंगे। अब सोच कर देखिए, अगर आप 50 सालों तक ब्लैक होल के किनारे चक्कर लगाते रहे और फिर पृथ्वी पर लौट कर आएंगे, तो आप सीधे सीधे 50 साल आगे फ्यूचर में चले जाएंगे। यानी आपकी उम्र के लोग आपसे 2 गुना उम्र के हो जाएंगे, है ना गजब की बात। ये तरीका ना तो कोई पैराडॉक्स पैदा करता है और ना ही किसी तरह का फीडबैक पैदा करता है। फिर भी ये तरीका अभी दूर की ही कौड़ी है, क्योंकि ब्लैक होल हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर मौजूद है और ये हमें बहुत ज्यादा आगे जाने का ऑप्शन भी नहीं देता है। अब एक और तरीका आजमाया जा सकता है। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि अगर हम लाइट की स्पीड से चलेंगे तो हमारे लिए टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो सकता है। उसे उन्होंने इस तरह समझाने की कोशिश की कि मान लीजिए एक ट्रेन है जो पृथ्वी के चारों ओर तेजी से चक्कर लगा रहा है। जैसे जैसे ट्रेन लाइट की स्पीड के करीब पहुंचेगी, बाकी दुनिया की तुलना में ट्रेन में समय धीमा हो जाएगा। हॉकिंग ने भविष्यवाणी की थी कि ट्रेन में सब कुछ धीमी गति से चलेगा। अगर ये ट्रेन 1 जनवरी 2050 को स्टेशन से निकलती है और 100 सालों तक लगातार पृथ्वी का चक्कर लगाती है और 2150 के नए साल में पहुंच जाती है, फिर भी अंदर बैठा व्यक्ति जब ट्रेन से उतरेगा तो उसे लगेगा कि अभी सिर्फ एक ही हफ्ता बीता है। इस तरह वह व्यक्ति टाइम ट्रेवल करके सिर्फ एक हफ्ते में ही 100 साल की दूरी तय कर पाएगा। मान लीजिए हम एक ऐसी ट्रेन बना लें जो लाइट की स्पीड से चलती हो और जिसके लिए हमने ऐसी पटरियां बनाई हैं जो पृथ्वी के चारों ओर बिछी हुई हैं। वैसे लाइट की स्पीड से किसी ट्रेन का चलना फिलहाल फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की माने तो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने के लिए किसी भी चीज का मास इन्फिनाइट होना चाहिए। फिर भी मान लीजिए कि ऐसी ट्रेन बन जाती है और ट्रेन का पायलट 1 सेकंड में पृथ्वी के 7 चक्कर लगाने लगता है, तो आप टाइम ट्रेवल कर सकेंगे, क्योंकि इस ट्रेन में टाइम स्लो हो जाएगा। इसमें लगी घड़ियों की स्पीड भी स्लो हो जाएगी। अगर ये ट्रेन 100 सालों तक चलती रही तो इसमें बैठा व्यक्ति जब ट्रेन से उतरेगा तो वह अपने समय से 100 साल आगे यानी फ्यूचर में होगा। तो टाइम ट्रेवल करना भले ही इंसानों के लिए बहुत फैसिनेटिंग आइडिया हो, लेकिन इसके पीछे काम कर रहे साइंटिस्टों को ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंडा लगता है। अब ये तो फ्यूचर ही डिसाइड करेगा कि हम टाइम ट्रेवल कर पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड बाय।